अभी और बहुत से लोग गुस्से में फंसे हुए हैं, देखा नहीं, और हमारा मकसद यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करना है नॉन वायलेंट तरीके से, कोई गाली गलौज नहीं है, लेकिन दिस इज आवर राइट टू डिमांड कि ये इस इंसान उस खानदान ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे यंग लोग आके गालियां निकालते हैं, इनको इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये यंग लोग जो हैं ये उस पाकिस्तान से बाहर आए हैं, क्योंकि इस पाकिस्तान में इन लोगों ने उनको ये कुछ नहीं किया। इन लोगों को अडयाला मत भेजें, इन लोगों को बलोचिस्तान में भेजें, इनसे पहाड़ कुटवाएं। इनको पता होना चाहिए कि गरीब इंसान पाकिस्तान में कैसे पिस रहे हैं, कैसे पिस रहे हैं। और इन सारे इन लोगों ने, जरदारियों ने और सारों ने पकड़ के पाकिस्तान का 40 साल के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया। एक बंदा उठा था इनके खिलाफ और वही बंदा आवाज लेके चढ़ रहा है। ये सारा पाकिस्तान यहाँ खड़ा है, कोई पीटीआई की नहीं है, पाकिस्तानी पहले है, लेकिन इन लोगों ने इतना गन बचाया हुआ और जिस तरीके से लोग फोन फेंकते हैं लोगों के, आज इनकी जरूरत नहीं होगी। आज सारे ये पाकिस्तानी खड़े हुए हैं और रास्ता और भर रहा है, ये सड़कें सारी भर जाएंगी, इतने पाकिस्तानी आएंगे, तो इंशाल्लाह पीसफुल प्रोटेस्ट है, अच्छे तरीके से अपनी बात बताएंगे। पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है एंड वी आर ऑल इन इट। हमने देखा कि इतनी बड़ी कैसीर तादाद पहले देखने में नहीं आई और अभी नजर आ रहा है कि बिल्कुल रोड जो है इनके घर के करीब सारी रोडें बंद हो चुकी हैं और पुलिस की भी काफी भारी मकदार यहाँ पर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस के कुछ और लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि क्राउड इज गोइंग टू बी नीड टू मेक श्योर। ये जो दूसरी तरफ पीएमएलएन के लोग खड़े हैं उसके अंदर सारा मीडिया जो बिका हुआ है उनके साथ खड़ा हुआ है और बाकी उनके 10-15 लोग खड़े हुए हैं, और इस तरफ आप नजर घुमाएं तो सारे आपको पाकिस्तानी फैमिलीज आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं, हमारी बहनें आई हुई हैं, बूढ़े आए हुए हैं, यंग लोग आए हुए हैं और अभी और आ रहे हैं। तो ये आपके सामने की ये चीजें हो रही है। पाकिस्तान हैज पाकिस्तानी एवरी राइट टू डिमांड कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ इज अ थीफ एंड ही हैज टू पे फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।